महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के संपर्क में होने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं इससे बहुत ज्यादा इनकार भी नहीं करता, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी शिवसेना का विवाद है, ये उनका आपसी विवाद है और उसके कारण ये घटनाक्रम हुआ है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खंडवा में भाजपा से महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव के लिए महाजनसंपर्क करने आए हुए थे। यहाँ खंडवा पहुंचने पर उन्होंने श्री दादाजी महाराज के दरबार पहुंचे, जहाँ समाधि का दर्शन कर पूजन किया, जिसके बाद धूनी में हवन किया। यहां से वो आनंद नगर क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज के पीछे श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर उन्होंने कहा कि शिवसेना का ये इंटरनल मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है, हम देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के संपर्क में होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत ज्यादा इनकार भी नहीं करता, पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी विवाद है, उनका आपसी विवाद है। हालांकि मीडिया के सवालों पर वो खुलकर बोलने से बचते भी रहे। अपने नपे तुले शब्दों में उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में चल रहे विवाद को लेकर अपना बयान दिया, जिसके अलावा उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं श्री दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर बनना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर पूछे गए सवाल पर वहीं कैलाश विजयवर्गीय से जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को सपने दिखा रहे हैं, जिससे कांग्रेस जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। देखिए, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि शिवसेना के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में नहीं। मैं इससे कुछ बहुत ज्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं। सर, देवेंद्र फडणवीस जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है, उसके कारण ये घटनाक्रम। देवेंद्र फडणवीस मिले हैं एकनाथ शिंदे से? हाँ, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, बाकी इसकी अधिकृत जानकारी मेरे पास। नगरीय निकाय चुनाव में क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह इस बार भी सभी मेयर जीतेंगे, लोकल बॉडीज के भी। कल एक क्षेत्र में पंचायत के चुनाव हुए, अधिकांश जैसे इंदौर की जिला पंचायत हम जीत गए हैं, बाकी चारों जनपद में भी करीब करीब हम जीतने वाले हैं, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। नाराज पार्षदों को नहीं बना पाई? सरपंच भी हमारे ही सबसे ज्यादा। राहुल गांधी से लगातार 10-10 घंटे 12-12 घंटे ईडी पूछताछ कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 12 घंटे की ऐसी कौन सी पूछताछ है? ये तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है वो, विद इन पार्टी घोटाला है। देश के साथ घोटाला किया वो तो फिर ठीक है, पर पार्टी के साथ घोटाला करना ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। आगामी दिनों में सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी, अब इसके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें? केला जी, ये कोई हमारे द्वारा लगाए हुए केस नहीं है, ये पुराने समय से चली आ रही है। केला जी, आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं और आज यहाँ पर भी भूमि पूजन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? खाटू श्याम की महिमा हर तरफ आप फैल रही है। देखिए, खंडवा नगरी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति और संस्कृति वाली नगरी है। मुझे याद है एक बार मैं गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पर आया था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा खंडवा दादाजी माँ है। यहाँ जिस तरीके से भक्तों का स्वागत किया जाता है, जिस तरीके से निःशुल्क वाहन चलते हैं, और इसलिए ये भक्तों का शहर है। यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहती है। खाटू श्याम जी का मंदिर भी बन रहा है।